तो आज हम लोग R15 का LCD मीटर देखेंगे और अभी हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या क्या फंक्शन है LCD मीटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर से एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप LCD को खोलते हैं, हाई लिख करके आता है और यहाँ पर आपको सभी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो ये 6 गियर की गाड़ी है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, और ये 5वीं गियर में खड़ी हुई है। और यहाँ पर आपको टाइमिंग देखने को मिल जाती है, यहाँ पर स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर सारी स्पीड दिखाता है। तो ये वाली जो लाइन जा रही है ये स्पीड दिखाती है, और यहाँ पर आपको जो फ्यूल इंडिकेटर है वो शो करता है यहाँ पर, और यहाँ पर सारी चीज़ें दिखा रहा है आपको। यहाँ पर कूलेंट और लिक्विड का इंडिकेटर शो करता है, और यहाँ पर आप यहाँ से नीचे देख पाएंगे ये सर्विस वाली बटन से आप सर्विस इंडिकेटर को हटा सकते हैं, और यहाँ से ट्रिप और वो सब आल चीज़ें लगा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। यहाँ से देखेंगे तो आप ट्रिप लग जाती है, ट्रिप F लग जाती है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये इतने किलोमीटर चल चुकी है। तो ये ODC है, ये इतने किलोमीटर चल चुकी है ODC, यहाँ पर आप देख पाएंगे। और यहाँ पर और भी बाकी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। तो यही है बस इसकी LCD में। और अदर जो चीज़ें हैं जैसे इंडिकेटर, तो यहाँ पर आपको शो करता है किनारे, और भी चीज़ें हैं जो कि किनारे या फिर LCD में शो कर। जो सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पर, 3 बार लाइट ब्लिंक होती है LCD के ऊपर, ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी हमको। तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं आपको इसका एक लुक दिखाना चाहूँगा। Crashing out the skies like a tidal wave.